Hello guys, how are you? Well, this one I recently purchased. Sorry, this is Road Forgotten Neo. इनका ये नया लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली. और अगर इनको मैं साइड बाय साइड दोनों को साथ कंपेयर करूँ, आई थिंक ये दोनों बहुत सिमिलर स्मेल वाइज बहुत सिमिलर फ्रेगरेंस हैं. हल्टेन और ये फॉरगेटनेस नियो, इन दोनों में ये डिफरेंट है कि इसमें सिट्रस है, ये थोड़ा सा फ्रेश टाइप ऑफ फ्रेगरेंस है और ये थोड़ा सा स्वीट है. लेट मी कंपेयर विद दिस. सो या इसका स्टार्टिंग जो है सेम मूथ फॉरगेटनेस जैसी है, कुछ उसमें इतना आपको फील नहीं होगा कि ये डिफरेंट फ्रेगरेंस है, पर जैसे जैसे अभी कुछ सेकंड्स गुजरेंगे तो ये अपने हर टेन वाले जोन में आ जाएगा, इस वाले फेस में आ जाएगा. तो जो इसका ड्रैडन होगा सेम इसका इसका ड्रैडन सेम हर टेन जैसा है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट. अगर आपके पास हर टेन है तो आप ये ना लें. ये मैंने क्यों परचेज किया, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि उड फॉरगेटनेस का डीएनए मुझे बहुत पसंद है. वो मैंने उड फॉरगेटनेस लिया था, आई थिंक रिसेंट बैच में लिया था, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया. उसका जो परफॉर्मेंस था बहुत लो था, बहुत वीक था, जिस वजह से मुझे ये परचेज करना पड़ा. आई थिंक स्टार्टिंग में आपको तरह वैसे ही फील देगा, पर सडनली मिड फेज में आकर ये हर टाइम जैसा हो जाएगा. सेम टू सेम नहीं होगा, पर आपको फील वही देगा, हवा में जो एक फ्रेगरेंस होती है वो आपको यही फील देगी. तो आई थिंक ये तो मेरा सबसे लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है अभी तक का, तो ये ज़रा भी उत्फोगेटने जैसा नहीं है. तो ये स्टार्टिंग में उत्फोगेटने जैसा और मिडिल में आके ये टोटली चेंज हो जाता है, सेम टू सेम हर टाइम जैसा हो जाता है. आई डोंट नो कि उन्होंने ये लॉन्च क्यों किया है, क्या सोच के किया. अगर उनके पास आई थिंक ये दोनों सेम कंपनीज हैं, ओनर उनके सेम है, आई डोंट नो क्योंकि लिंक है आपस में फ्रेगरेंस का. तो आई थिंक ये रीज़न होगा कि ये कुछ उन्होंने फ्रेश करने के लिए, कुछ न्यू करने के लिए फॉरगेटनेस का एक क्लोन भी आया हुआ था, बहुत फेमस हुआ था उत्फो ग्लोरी, सबसे वर्स्ट परफ्यूम आई एवर ट्राई इन माई लाइफ, लताफा का जो था. आई थिंक उस वजह से उन्होंने शायद ये लॉन्च किया ताकि लोग जो हैं इसकी तरफ आएँ. ये उत्फो ग्लोरी जैसा ही है सेम, पर थोड़ा सा डिफरेंट. अब कह लो कि ये थोड़ा सा हल्टेन जैसा है, हल्टेन जैसे इसमें डीएनए है थोड़ा सा, वो एन में आके वही हल्टेन ही बन जाता है ये. तो अगर आपने परचेज करना है तो ये आई थिंक वर्थ इट है. अगर आपके पास विद फॉरगेटनेस नहीं है और ये नहीं है, तो ये मुझे बोतल बहुत पसंद आई थी तो मैंने कलेक्शन में रखनी थी अपने बोतल, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. विद फॉरगेटनेस में लिया था, मैंने दो दफ़ा लिया था, वापस कर दिया क्योंकि दोनों दफ़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जो मैंने सुना था वैसा था नहीं. तो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंक जो मुझे बोतल करे कि मेरे पास क्यों है ये चीज़. तो आई थिंक दिस इज गुड, कलेक्शन में पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है और ये फ्रेगरेंस भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है. यू कैन से दिस माय बैकअप बोतल ऑफ हल्टेन, तो यही आप कह सकते हो, कुछ डिफरेंट नहीं है. एनीवे थैंक यू, नाइस फ्रेगरेंस.